कोच। मक्खन सिंह का गुस्सा थारे पे निकाल रही हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैडम, इट्स माय ऑनर। एक्सक्यूज मी मैडम। ना करेंगे एक्सक्यूज तो क्या हमारे सर पे बम फोड़ देगा तू? अरे मैडम, बम भी फूटता बारात भी आती आपकी दुआ से, लेकिन ये है कि शादी के लिए तैयारी नहीं हो रहा। ओहो, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जो किस प्रकार की अश्लीलता मचा रखी तेने, इससे शादी करने मांग रहा है तू? नहीं मैडम, मेरा नाम है साजन शेखावत और ये है टिंकी चरोठा के भाई, टिंकू चरोठा। और ये जो है शादी के लिए तैयारी नहीं है और मैं टिंकी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ मैडम, हम इस शादी के खिलाफ हैं जानबूझ के। अरे यहाँ पता है, इसीलिए हम और टिंकी कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। मैडम हम भागे भागे कोर्ट पहुंचे तो वहां पता लगा कि उन्हें हमारे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम फौरन घर आए, हमने अपना बर्थ सर्टिफिकेट उठाया, अटैची में डाला और अटैची लेके हम फौरन कोर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में किसी ने अटैची चुरा ली आपकी दुआ से। मैडम हम सिर्फ FIR लिखवाना चाहते हैं कि हमारी अटैची चोरी हो गई है। या तो आप हमारी अटैची दिलवा दीजिए या फिर हमारी हेल्प कीजिए आपकी दुआ से। कैसी हेल्प? मैडम क्या है कि हमारा बर्थ जो है वो चित्रकूट एक्सप्रेस की बर्थ पे हुआ था। अरे एकदम अंधेरा था, घनघोर बारिश हो रही थी और हमारी ट्रेन जो है वो मंदाकिनी नदी के ब्रिज पर बीचों बीच खड़ी हो गई, क्योंकि क्या है कि आगे एक पिलर कहीं से गिर गया था। और मैडम हुआ ये कि ऐसी जगह पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई बीचों बीच, ट्रेन के एक कदम आगे MP लगता था और एक कदम पीछे UP। अब मैडम अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि हम MP में पैदा हुए या UP में पैदा हुए आपकी दुआ से। तो मैं के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखूं बैठ के हैं ना, भूगोल का मैप लेके डिसाइड करूं कि तू कहां पैदा हुआ था है? नहीं नहीं मैडम, आप सिर्फ हमारे लिए ये लिख के दे दीजिए कि हम MP में पैदा हुए या UP में पैदा हुए, बस आपकी दुआ से। बॉस ये सब काम हमारा नहीं है, इन कामों के लिए नगर पालिका के पास जाओ। अरे वहां गया था, उन्होंने हमसे कहा कि तुम कहीं से भी किसी भी पुलिस स्टेशन से जाकर के लिखवा के लाओ कि तुम MP में पैदा हुए या UP में पैदा हुए। आप एक काम कीजिए, सिर्फ एक पर्ची पे लिख दीजिए कहीं जहां जहां कहीं भी कैसे भी पैदा हुए जिसका पता ही नहीं कि वो कहां पैदा हुआ है। अरे कब पैदा हुआ है, पैदा भी हुआ है कि नहीं हुआ है जानबूझ के मैडम? अरे यार सामने खड़े, तुम कह रहे हो पैदा हुए या नहीं हुए, मैडम आपसे लिख के दे दीजिए हम कहां पैदा हुए हैं बस। भैया सरना पर्ची उर्ची तो बाद में लिखी जाएगी है, बर्थ सर्टिफिकेट गया तेल लेने, फिलहाल तो जो है ना यहाँ क्राइम हुआ है। अरे हमारे एरिया में कोई बैग चोरी हो गया, तू कल 10 बजे आइयो। बैग चोर, उसका बापू, उसकी अम्मा, तीनों लाइन से खड़े हुए थारा इंतजार कर रहे होंगे, समझा तू? ओके मैडम, टिंकू वेरी मच। ठीक 10 बजे। ठीक 10 बजे। पूरा हाल है देश का, चौकी में जो हो रहा है उस पे भी थोड़ी जो है जानकारी, थोड़ी इंटरेस्ट लेवल बढ़ा ले हम हैं, या देश में संभालेगा तू प्रधानमंत्री हो रहा है। सॉरी मम्मी जी। मैडम बैग कहाँ है भाई? मैडम यही तो बताने में आया था कि वो बैग तैने चुराया है। हाँ मैडम, लेकिन आपको कैसे पता चला एकदम से? हमारी मैडम की नाक किसी कुत्ते की नाक से। अरे मैडम आप बिना एक नंबर। अरे भोली हैं मैडम, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमारी मैडम से कोई भी बात छिपी नहीं है कभी। हाँ भाई, जब तुमने इतना सब कुछ बता ही दिया है टिंकू चरोठे, ये भी बता दो ये सब तुमने क्यों किया? तो और क्या करता, इससे अच्छा मौका हमें मिल ही नहीं सकता था। मैडम इस साजन की भोली भाली सूरत पे आप मत जाइएगा, एक नंबर का फ्रॉड है, गुंडा है एकदम से। मेरी भोली भाली बहन को भेला फुसला कर उसकी आंख पर प्यार की पट्टी बांध दी है और मेरी बहन है कि वो पट्टी उतारने को तैयार ही नहीं हो रही है एकदम से। और तेरे सोचा कि जब बर्थ सर्टिफिकेट चुरा लूंगा तो शादी कोई ना होगी। भाई ऐसा है, तू टेंशन ना ले, उस साजन की तो जो है ना हमने भी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, वो जितना चरित्रवान दिखे उतना है कोई ना। और तू ना, तू ये पुलिस की कस्टडी में आ गया है तो तू देख, नहीं तो उसका बाप भी प्रूफ ना कर सके कि वो कभी पैदा हुआ था। मैडम
मैडम आपकी आज्ञा अनुसार ठीक ठीक 10 बजे मैं यहाँ पहुंच गया हूँ आपकी दुआ से। भाई सात जन के सलमान भाई थारा यो कुड भी साला न यो मान के ही ना दे रहा, हमने इतना कन्विंस करने की कोशिश की, अब हम के करें। मैडम ऐसे कैसे मान ले हम मैडम, सगी बहन है कोई सौतेली भतीजी तो नहीं है, उसके हाथ पीले देखने की इच्छा में हमारी आंखें गीली होती जा रही है ना मैडम। अरे इतनी गीली हो रही है तो करवा दो ना शादी। अरे ऐसे किसे करा दे, पहले ये पता तो चले कि तुम किस खानदान में पैदा हुए हो, अरे पैदा भी हुए हो कि नहीं हुए हो एकदम से। ना अभी ना ऐसे मत कहो, ये पैदा तो जरूर हुआ है, देख लो सामने खड़ा हट्टा कट्टा। ओ मैडम पैदा तो हम हुए हैं आपकी दुआ से। ओ हमें लगा तुम पैदा हुए हो अपने पिताजी की दुआ से। मैडम आपने तो कहा था बैग भी होगा, अम्मा भी होंगी, बापू भी होंगे। अम्मा भाई अम्मा से याद आया, अपनी अम्मा ने क्यों ना बुलवा लेता तू, ना वो आ जाएगी तो जननी, अम्मा तो जननी हो रही है ना, उसी से प्रूफ हो जाएगा कि तू पैदा हुआ है कि ना हुआ। मैडम अम्मा तो कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से उफ उम्मा हो गई आपकी दुआ से। नहीं तुम्हारी किस्मत तो तुम्हें ही दे गई धोखा, मैडम अब इसका क्या होगा। ओके बाय। होगा 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 मैडम होगा। मैडम जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमारी अम्मा हमें बताती थी कि एक बार वो डाउन चित्रकूट एक्सप्रेस के S1 में बर्थ नंबर 24 पर बैठी हुई कहीं जा रही थी, बस उसी बर्थ पर हमारा बर्थ हो गया। और मैडम क्या बताएं, वहां पर एक टीटी खड़ा था जिसने हमारा बर्थ होते ही हमारा टिकट काट दिया। अम्मा पूरी जिंदगी उस टीसी को गालियां देती रही। मैडम आप उस टीसी को बुलाइए, वही साबित करेगा कि हम पैदा हुए थे या नहीं आपकी दुआ से। गुड भाई टीसी भी है स्टोरी में, तो टीसी को बुलाओ। हाँ भैया आइए 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 भैया, पुलिस स्टेशन कहाँ लिया है, आइए आइए सब पता लग जाएगा, आइए मैं आ गई है। पूछिए पूछिए। हाय आई एम गुलगुले, आई एम कुटोत्रा, आई एम सारा सा सुअर, हर मामले में हम सुअर हैं। अच्छा वो तो ठीक है, ये बताइए कि 15 सितंबर की रात मंदाकिनी नदी के पुल के ऊपर जब चित्रकूट डाउन रुकी, जब वहां पर कड़ाके की बिजली कड़क रही थी, जब घंघोर बारिश हो रही थी, जब S1 के बर्थ नंबर 24 पर एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, तब आप वहां पर थे? हाँ भैया हम थे। अरे उस रात तो बहुत ठंड पड़ रही थी और हमने जो है ना गले में मफलर लपेटा हुआ था। ये आदमी मतलब तब जब ये बच्चा था इसके पैदा होते ही आपने इसकी टिकट काट दी थी क्या? भैया तुम इतने पागल हो है? अरे तुम इतने साल के बाद जो है FIR लिखवाने आए हो? ये मैडम इसे इतना मार क्यों रही है? वो सब छोड़िए आप, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप ये बताइए कि उस रात ट्रेन में बच्चा पैदा हुआ था या नहीं? हाँ हम सुअर हैं। नहीं सुअर तो आप हैं लेकिन बच्चा पैदा हुआ था या नहीं? अरे यार इन्होंने बोल तो दिया कि हम पैदा हुए थे, मतलब हम पैदा हुए थे। अरे हाँ तुम्हारी अम्मा ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, अरे तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल अपनी अम्मा गई है, वही करारी आंखें, वही नुकीली नाक, वही सुराही गर गर गर। अरे हम अम्मा नहीं हैं। ओह सॉरी। हाँ भाई ये पैदा हुए थे हम सुअर हैं। ये मैडम इसे इतना मार क्यों रही है? वो क्या है कि इसी केस की तरह ना एक और 30 साल पुराना केस खुल गया है, ये आदमी कह रहा है ये श्योर है तब क्या हुआ था, और हमारी मम्मी जी को ना जो ज्यादा श्योर श्योर करते हैं ना वो पसंद नहीं है। अब मैडम 3-4 दिन तक इसको मारेंगी सूतेंगी, उसके बाद भी अगर वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहा तो मैडम मानेंगी कि वो सही कह रहा है। नहीं 3-4 दिन मार खाने के बाद भी अगर कोई आदमी कहे कि मैं श्योर हूं तो फिर वो श्योर ही होगा ना। वैसे तुम तो श्योर हो ना ये उस रात पैदा हुआ था? क्यों भैया क्या तारीख बताई थी तुमने? अरे 15 सितंबर। 15 सितंबर? अरे भैया उस दिन तो हम छुट्टी पर था, हमारे मुन्ने का जन्मदिन था। Are you sure? I am sure, अच्छा sure। उस दिन हमारे मुन्ने का जन्मदिन था इसलिए हम छुट्टी पर थे, घर में पार्टी हो रही थी ना रात में।
अंकल आप झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूं आपकी शादी नहीं हुई है। जब शादी नहीं हुई तो ये बच्चा कहां से आ गया? अरे यार समझा करो यार तू तो। हाँ अच्छा भाई हम चलते हैं, डाउन चित्रकूट एक्सप्रेस का टाइम हो गया, गुड नाइट बाय। तू सात जन बिना सुहागन ना अभी तक प्रूफ कोई ना हुआ है कि तू पैदा हुआ था कभी? नहीं नहीं मम्मी जी, पैदा तो ये हुआ है, देखो ना सामने हट्टा कट्टा खड़ा है। अरे हाँ हाँ हम पैदा हुए थे। अरे हाँ मैडम, हमें याद आया कि हमारी अम्मा हमें बताती थीं कि डाउन चित्रकूट एक्सप्रेस में उस बर्थ पर जिस बर्थ पर हम पैदा हुए थे वह एक डॉक्टर भी था, हैंडसम था, जिसने हमें पैदा करवाया था। अब मैडम आप एक काम कीजिए, उस दिन का रिजर्वेशन चार्ट मंगाइए और उसका नाम और पता जल्दी से पता करवाइए मैडम। ना मैं और एक काम कर देती हूँ ना, एक हाथ में हरी एक में जो है लाल झंडी लेके जो है ना मैं ट्रैक पे खड़ी हो जाती हूँ रेलवे के, और तो कोई काम है ना हमें। अरे डॉक्टर ने लाओ बाल को, इसकी सेवा करो। चलो चलो भाई चार्ट निकलवाते हैं, वहीं पे चार्ट पापड़ी भी खा लेंगे। चलो आप यहाँ का कर रही हैं? इंतजार किसका? किसका? देखिए दिखाइए ना, देखी तो नहीं हूँ मैं। आप? हाँ मैं ही हो रही हूँ थारी होने वाली बीबी। भाई वो सब छोड़, मन्ने एक बात बता, थारा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? वो क्या होता है? मेरा मतलब है वो क्यों चाहिए आपको? देख भाई ऐसा है ना, पिछले दो सालों में ना कम से कम मिनिमम ऑफ 200 बार तो जो है मैंने शादी का जोड़ा पहना होगा और हम दोनों जो है मंडप तक पहुंच गए, पर शादी होकर ही ना पाई है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ डायरेक्ट कोर्ट मैरिज। काफी हसीन सपने हैं आपके मिस्टर डॉलर। हम आपके कोर्ट तो जाएंगे जरूर, लेकिन आपसे शादी करने नहीं बल्कि आप पे केस ठोकने की। आप एक इनोसेंट आदमी को हम याद है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्याम गोपाल वर्मा। देखिए जैसे मुझे याद है उस दिन चित्रकूट एक्सप्रेस डाउन में एश्विन बोगी में बर्थ नंबर 24 पे मैंने एक डिलीवरी करवाई थी। एंड आई टेल यू द मदर वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा ना इतनी पुरानी बात, तन्ने इतनी भली बात थी से याद है कैसे भाई? एक्चुअली उसका भी एक रीजन है मैडम, मैं देहरादून मेडिकल एकेडमी से नया नया डॉक्टर बनके टिकुलियागंज हॉस्पिटल में ड्यूटी संभालने जा रहा था। एंड आई टेल यू मैडम, गॉड इज ग्रेट, मुझे ट्रेन में ही मुझे पहला पेशेंट मिल गया। तब से मैंने टिकुलियागंज में कभी ड्यूटी संभाली नहीं, ट्रेन में यहाँ वहाँ घूमता था और डिलीवरीज करवाता था। 2000 डिलीवरीज करवाई है मैंने मैडम ट्रेन में। एंड आई टेल यू मैडम, They all were beautiful. मैडम अब तो साबित हो गया ना कि हम पैदा हुए थे। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। क्या हुआ गुलगुले, क्या हुआ? अरे तू खड़े खड़े के देख रहा है, डॉक्टर ठीक कर इसने। इट इज वेरी नॉर्मल केस, लेट मी एनालाइज द सिचुएशन। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। गुलगुले तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, गंदे पर तेरी जान ले लूं। ओ, 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 अधेड़ अवस्था न ज्यादा जो है बीपी हाई करने की जरूरत ना है, एक तो वैसे ही निमट गया, तू भी ढेर होगा यहीं है, और तू साइड में आ साले। हवलदार मार दिया तेने हमारा है। ब्यूटीफुल भाई ऐसा है ना, जब पुलिस केस में इंटरेस्ट ना ले रही तो तू काय का इतना इंटरेस्टेड हो रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, तू चौड़ा हो रहा ज्यादा ही। आई अंडरस्टैंड मैडम, मैं समझ गया। ओके फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे डॉक्टर कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये बात सच है कि मैं कह रहा हूँ कि उस दिन मैंने एक डिलीवरी करवाई थी, लेकिन वो बच्चा आप है ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का चेहरा गोल था, तुम्हारा स्क्वायर है। ना अरे ना, ऐसे कोई प्रूफ ना हुआ है कि तू कभी पैदा हुआ था। मम्मी जी पैदा तो ये हुआ है, आपके सामने हट्टा कट्टा खड़ा है। अरे वो तो मन्ने दिखे है ना, पर कानून को तो दिखे कोई ना, ना कानून तो अंधा हो गए।
से काम कर ना, तू कल को आइयो, मैं जो है फुल प्रूफ रास्ता निकाल के रखूंगी। ओके ओके मैडम। मैडम इनका चौथा कब है, मैं उसमें आना चाहता हूँ। 23 तारीख शाम 4 बजे। ओके है 23। गॉड इज ग्रेट, ये चमत्कार। क्या भैया ऐसा है, हम एनकाउंटर में तन्ने गोली मार देंगे ना, तू मर जाएगा और फिर जो है आसानी से सारा डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, सिंपल। लेकिन फिर बात को समझा करो दोस्त, एक बार तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा फिर तुम आराम से प्रूव कर पाओगे कि तुम पैदा हुए थे। हाँ, क्योंकि मरता वही है जो कभी पैदा हुआ हो, अगर तुम मरे हो तो पैदा भी हुए होगे, क्यों जी? नहीं, अगर मानोगे हमारी बात तो आएगी तुम्हारी बारात। ओके बाय। भाई ऐसा है, फिर उस टिंको के मुंह पे ना वो बर्थ सर्टिफिकेट ने मार के बोलियो, यो देख यो प्रूफ से कि महाराज जो है कभी बर्थ भी हुआ था, और ये बोल शादी मंजूर से। लेकिन वो एनकाउंटर, अरे एनकाउंटर नकली होगा, गुलगुले की बंदूक में गोली होगी नकली, गोपी के कैमरे में रील होगी असली। इफ तू रेडी से, टाइम ना है ज्यादा हमारे पास। यस रेडी। चल भाई गोली मार। हाँ भाई जरा मुस्कुराओ। अरे यार पहली बार मर रहे हो, मरने में जान डालो। एक मिनट। थारे हाथ में थारा डेथ सर्टिफिकेट आ गया, ईव उस टिंकी के भाई टिंकू के मुंह पे मार दियो यो, और बोलियो कि दिस इज प्रूफ कि थारा बर्थ भी हुआ था। ओके मैडम। मैडम मुझे क्यों बुलाया? मेरा सर्टिफिकेट, अब मुझे टिंकी से शादी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, आपकी दुआ से। क्या ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट। और डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ उसी को मिलता है जो आदमी मरता है, और जो मरता है वो कभी पैदा भी होता है। अब कोई आपत्ति है तुम्हें? अब हमें कोई आपत्ति नहीं है एकदम से, सिवाय एक बात के एकदम से। क्या? हम अपनी बहन की शादी कराना चाहते हैं जिंदा आदमी से, और इस सर्टिफिकेट के अनुसार तुम गए हो मर। अब जब तुम नहीं हो जिंदा तो फिर कैसी शादी और काय की शादी, एकदम से निकल लो यहाँ से। लेकिन मैडम आप तो मत कह रही थी कि ये बात। अब ये मैडम के बच्चे भैया साना, यो सब पुलिस की चाल थी, और तू ना हमें यो बेरा है कि तू छोरियों ने बरगलाता है। इब अपना यो डेथ सर्टिफिकेट संभाल, और थारा तो एनकाउंटर हो चुका है, मैं कुछ ना कर सकती। लेकिन मैडम वो एनकाउंटर तो नकली था। हाँ तो आप असली करा देते हैं, क्यों मैडम? हाँ भाई भाई मन ने दिखे कि थारे सामने जो है ना दो ही रास्ते बचे हैं, एक तो यो कि तू इसकी बहन का रास्ता छोड़ दे, और दूसरा यो कि हम थारा असली एनकाउंटर कर देते हैं। No!